इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी। ये देखिए एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि कोई सर्कल जरूर होगा जो इन चारों वर्टिसेस से पास होता होगा। अब ये दिया हुआ है कि इनके जो डायगनल्स है ये उस सर्कल के डायामीटर है। जैसे एसी उस सर्कल का डायामीटर है जिसका ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पार्ट है, और ये बीडी भी डायामीटर है। सीधी सी बात है, अगर ये डायामीटर है तो ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। अगर ये डायमीटर है तो ये भी 90 होगा। अगर ये डायमीटर है तो ये 90 डिग्री एंगल होगा। ये लाइन डायमीटर है तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि डायमीटर सर्कल में अपने सर्कल में 90 डिग्री राइट एंगल सबटेंड करता है। तो अगर चारों वर्टिसेस ये जो 90 डिग्री बन जाते हैं तो ऑब्वियसली ये रेक्टेंगल बन जाएगा।